हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। ये क्लिप जो है 4-5 दिन पहली है और मैं बना रही हूँ आलू बेसन की सब्जी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा पाई, बस बेसन को जो मैंने भून लिया था उसके बाद में मैंने बेसन की आलू बेसन की सब्जी बनाई है। आप लोग भी आ जाइए। और मेरी वीडियो जो है ना, फिर रात से स्टार्ट हुई है और अभी शाम का जो समय हो रहा है और करीबन 8-8:30 बजे हैं। कोई सा सीरियल भी चल रहा है तो यहाँ पर है ना, ये बोर्ड मैंने सॉरी ये बेड इधर जो कर दिया था, तो यहाँ पर एक तार लटका हुआ है इन्वेटर का, तो कायरा उसको पकड़ता है। तो अभी मुझे यहाँ से बेड हटाना पड़ेगा। और पंखे की हवा भी है ना यहाँ पर बहुत कम लगती है। सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न यही है कि कायरा जो है उस तार को पकड़ कर खींचता है, और कहीं करंट लग गया तो देखिए बिजली तो एक बार छोड़ भी देती है, इन्वर्टर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो अभी मुझे है ना यहाँ से बेड हटाना पड़ेगा। तो दिन में तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं और काम में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी हटा लेते हैं। घर में आप लोग समझ सकते हो बहुत काम होते हैं, तो सबसे पहले ना मैं ड्रेसिंग को हटाऊंगी, फिर उसके बाद इसको बेड को सेट करती हूँ। तो चलिए ये काम कर लेते हैं। करने के बाद में यहाँ पर जो है ना, ये कुछ सामान रखे हुए थे जिनको मैं इधर उधर कर रही थी। फ्रिज हटाया है मैंने वहाँ से, जहाँ पर यहीं पे पीछे फ्रिज लगा हुआ था यहाँ से हटा दिया है। और दो भगोने रखे हुए हैं दूध के, इनको वापस मैं फ्रिज में रख दूँगी। फिलहाल कुछ टाइम के लिए फ्रिज यहाँ रख दिया है। दीवार पर जो है हैप्पी बर्थडे की भी लगी हुई थी लड़िया सी, वे भी उतारनी है मुझे। और उसके बाद जो मैंने फ्रिज यहाँ सेट कर दिया, ड्रेसिंग इधर सेट कर दिया है, उसको मैं अच्छे से पहुँच रही थी। उसके बाद फिर मैं मेज़ साफ़ कर रही हूँ, बेड पर बेड शीट डाल दी, बेड सेट कर दिया। तो बेड सेट करते हुए मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई, आप लोगों को नहीं दिखाई। और उसके बाद जो है मैं मेज को साफ कर रही थी, मेज़ पर कुछ चप्पल जूते रखे हुए थे उनको भी मैं वहीं रख दूंगी वापस। पहले सारी मेज़ पर मैं हल्का हल्का सा गीला गीला सा कपड़ा लगा रही थी, और बस इसको भी है ना साफ़ कर दूंगी। यहाँ बट यहाँ पर ही फिट किया है, और ये जो मेरे कपड़े टंगे हुए उन पर मुझे प्रेस करनी है, तो प्रेस करने का भी टाइम नहीं है मेरा, जब टाइम लगेगा तब करूँगी। पहले पहले मैं रूम का काम कम्प्लीट कर रही थी क्योंकि ये बेड बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए। कई दिन से बोल रहे थे इसके पापा कि इसको बेड को हटाओ यहाँ से, कभी कायरों को मतलब करंट वगैरह लग जाए। और अभी देखिए अभी तो अपनी है ध्यान कर लेती है, जब अपनी स्कूल जाने लगेगी तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो पहले ही मैंने हटा दिया है, और मेज़ जो है मेरी बहुत अच्छे से यहाँ पर साफ़ हो चुकी है, मैंने उसको पूरी तरीके से क्लीन कर लिया। 2-3 जोड़ी चप्पल जो हैं जूते हैं वो मैंने वापस यहीं पर रख दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे बहुत टाइम पहले अलमारियों को लेकर कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपकी अलमारी जो है ये बहुत भद्दी लग रही है, बहुत गंदी लग रही है, उनका कुछ करो। तो यहाँ पर मैं अबरी बिछा रही हूँ, तो फटाफट से मैं अबरी बिछा देती हूँ। जन्मदिन के टाइम की लगी हुई लड़ियाँ थी ये मैं ना उतार रही हूँ, मतलब इनको उतार रही हूँ, बहुत भद्दी लग रही है। और जगह जगह जहाँ पर ही हमने चिपकाई थी वहाँ टेप लगी हुई है, तो वो भी मैं उतार दूँगी। तो बस सारी इधर की तो उतार दी है मैंने, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ ये नहीं उतारूँगी। और टेप जो लगा रखी थी वहाँ पर वो जगह जगह लग रही है, इनको निकाल रही हूँ, ये भी बहुत गंदी लग रही है। अब देखिए अब तो इनका कोई काम ही नहीं है, बस रूम में क्यों फालतू का कबाड़ा ही हो रहा है। मैंने मतलब सारा रूम सिंगवाया था, मैंने सोचा कि इनको भी उतार देते हैं। सामने दीवार पर लगी हुई है कुछ कुछ टेप वगैरह लग रही है, उनको भी मैं निकाल लूँगी, पहले इनको निकाल लेती हूँ अच्छे से।
पूरे रूम का जो है सामान मैंने सिंगवा दिया था, उसके बाद में मैं अभी यहाँ रूम धो रही थी। तो वैसे तो मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ, पर मैंने सोचा कि आज रूम को धो देते हैं। धोने से थोड़ा और ज़्यादा मतलब अच्छे से धूल मिट्टी जो है पूरी तरीके से साफ़ हो जाती है, वैसे तो पोछे में भी हो जाती है, पर फिर भी मैंने सोचा कि रोज़ भाई धोना धोना वो रोज़ पोछा पोछा चलता रहता है, आज इसको धो देते हैं। अबरी बहुत अच्छे से मैंने लगाई है, पर पता नहीं हमारे सपुत्र छोड़ेंगे या नहीं। नीचे की अलमारी सबसे ज़्यादा भद्दी लग रही थी, वो है ना मतलब पूरा शैतान है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा दिन रहने नहीं देगा, फाड़ उड़ देगा, क्योंकि उसके हाथ पाँव कुछ ज़्यादा ही चलते हैं। अभी भी चूँ चूँ की आवाज़ आ रही होगी, पूरा ज़्यादा रम्मी है, मतलब कुछ नहीं छोड़ता, कुछ भी हम अलग सा करें सबको बिगाड़ कर रख देता है। लगाई तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से, पर पता नहीं कब तक उन्हें रहने देगा, कब तक नहीं। तो चलिए अभी इसको रूम को धो लेते हैं। तो मैं यहाँ बाल्टी में पानी ले रही थी और पायरो जो है वो सो गया है, और अपनी अपनी अम्मा के साथ जो है गीतों में जा रही है। यहीं परिवार में एक शादी है, बहुत जल्दी आप लोगों को शादी वाला ब्लॉग भी मिलने वाला है, और देखिएगा कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट करके। ज़्यादा तो कुछ नहीं बना पाऊँगी मैं वहाँ, पर जो भी बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने धो दिया था, उसके बाद में मैंने ना यहाँ पर कायरो को सुहा दिया था, आप लोगों से बताया था ये हल्का सा स्टॉल उड़ा दिया है, मतलब अपना इतनी गर्मी होने लगी है ना, रात को पहुँचा था गर्मी। और अभी हम दो तकिए जो हैं ये रख रहे थे यहाँ पे, इनके जो है ना कवर सीमने, मुझे इनमें कुछ रुई है, इनको दोबारा से भरवाना पड़ेगा, इनके ऊपर के एक जोड़ी कवर सीमने, फिर एक जोड़ी जो है मतलब जो डेली यूज वाले हैं वो चढ़ाऊँगी मैं इस पर। अभी बस सिलाई करने का टाइम नहीं लग रहा है। गद्दी थी जो मतलब सोफे वाली, वो सब पटकी, उनका फॉर्म रखा है, उनको भी मैं गद्दी बनाऊंगी उसमें भरूंगी। तो मतलब सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, वो अभी नहीं मिल रहा है पूरे घर की साफ़ सफाई करने में, आप लोग समझ सकते हो ऐसी हालत हो जाती है। आने वाला ब्लॉग भी बहुत खास होने वाला है, उसमें भी बहुत कुछ मैंने किया है, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और अपनी माँ बैठी हुई मुझसे बता रही थी कि मम्मी मैं गीतों में गई, हाँ यार से नाच रहे थे, सब बहुत मन लग रहा था, मैं उसकी बात सुन रही थी। फिर वहीं पर मैंने इस वीडियो का एंड कर दिया रात में, और मैंने अगले दिन सुबह की वीडियो ये वाली क्लिप जोड़ दी। अगले दिन सुबह में मैं अपना काम स्टार्ट कर चुकी थी, रूम का पूरा रात में कंप्लीट कर दिया था। अभी कायरा को खिला रही थी अवनी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई अभी जो मैं ये काम कर लेती हूँ। बाहर से लिप पर जो है ना ये भी बहुत भद्दा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों ने मेरे को इसको लेकर भी पहले बहुत सारे कमेंट किए कि दीदी स्लिप जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसका भी कुछ ना कुछ समाधान करो। तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी समाधान करेंगे, तो पहले जो है स्लिप का सारा सामान मैं उतार लूँगी और फिर उसको धुलूँगी, बहुत गंदा हो रहा है, झाड़ू लगाऊँगी, इन्वर्टर जो है उसका भी कुछ मतलब रखूँगी, तो उसको वहीं को, और ये जो टंकी है इसको यहाँ से हटाऊँगी। मतलब मैंने मम्मी और हस्बैंड को बोला था कि आप ये टंकी है ना थोड़ा पीछे रख लेना, या फिर आप दूसरे वाले रूम में रख लेना इसको, यहाँ पर है ना मेरा रसोई का स्लिप है ये, मेरे को बहुत दिक्कत होती है फिर यहाँ पर, ये कायरो ना अंदर बढ़ जाता है, इधर चोट खा लेता है, बैटरी में मट जाता है, दूर हो तो निगाह हो जाती है। तो उन लोगों ने मतलब यहीं पर रख दी, फिर भी अभी मेरे को इसको पीछे को हटाना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत तो होगी, देखिए अकेले को थोड़ी दिक्कत होती है भारी सामानों में, वैसे अनाज तो इसमें नहीं है पर खाली को हटाने में भी थोड़ी दिक्कत होगी। अभी उससे पहले जो है ना मैंने यहाँ से था ना टंकी जो है हटा दी है, और ये जो दीवार में मेरा बॉक्स लगा हुआ था वो मैंने वहाँ से निकाल लिया, मतलब जो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ना तो उसमें कोई लॉक था, बस खुला रहता था, ना ज़्यादा कुछ सामान आ पाता था, वो मैंने उतार दिया है दीवार पर से। और मैं उसके बाद ना टंकी को थोड़ा परिकटा कर रख दिया, और दीवार में ना जाले लग रहे थे वो मैं निकाल रही थी, तो मैं सोचा कि जब सफाई कर रही हूँ तो पूरी दीवारों के जाले वगैरह भी निकाल लेते हैं, कुछ स्लिप के नीचे लगे हुए थे वो सब मैं निकाल दूंगी, और इधर जंगले की साइड पर भी लगे हैं वो भी निकालूंगी। तो चलिए फटाफट से जाले निकाल देते हैं। Thank you.
उसके बाद जो है मैं यहाँ पर स्लीपर जो है ना झाड़ू लगा रही थी। इन्वेटर के नीचे मैंने एक तख्ता सा था वो रख दिया है, स्लीपर रखा हुआ था। अगर मैं पानी भी डालूँ स्लीप को धोऊँ या पोछा लगाऊँ तो इन्वेटर पर गीला नहीं होगा। और उसके बाद जो है स्लीप पर झाड़ू लगाने के बाद में ये टंकी जो है मैं इस साइड मतलब खींच के थोड़ा पहले पीछे करके छोड़ दी थी। मैंने इसको इंटी ऊपर रख रही थी तो इसको स्टार्टिंग कर रही थी, अच्छे से नहीं रखी जा रही थी। बहुत दिक्कत हुई सही में, बहुत परेशान होगी, पर मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। थोड़ा पीछे ले आई हूँ मैं इसको क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब आराम से मैं ना वहाँ पर काम कर सकती हूँ और कायरों की भी निगाह रख सकती हूँ। तो टंकी को फिट करने के बाद में अभी आप लोग देख सकते हो अभी भी खाट पे कितना सामान रखा हुआ है जो मुझे साफ़ करना है, स्टूल पलिया वगैरह, ये बर्तन, अभी बहुत सारा काम अभी बाकी है। बस ये समझिए कि चौथा ही काम हुआ है, तीन हिस्से काम अभी और भी मुझे करना है। तो अभी मैं लगा रही थी बरामदे में झाड़ू और ये रडगा भी ले रही थी साथ के साथ क्योंकि मैंने इससे जाले झाड़े थे, एक झाड़ू आगे एक पीछे वो वाला सिस्टम हो रहा था। तो फटाफट से बरामदे में झाड़ू लगा लेते हैं। में झाड़ू जो है वो तो मेरी पूरी हो ही जाएगी। मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। इधर भी दीवार पर सामान रखा हुआ है, इनको भी साफ़ करना है, सपील पर स्टूल वगैरह बहुत सारा काम अभी मुझे करना बाकी। आने वाला व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।